Welcome to our channel, where we discuss the latest developments in Pakistani politics and current events. Recently, Imran Riaz Khan shared a significant update in his vlog, shedding light on crucial issues affecting our nation. From the alleged Indian killings of Pakistani citizens to the ongoing cases against Imran Khan, and the contradictions in Nawaz Sharif's anti-establishment rhetoric. Let's watch Imran Riaz Khan's vlog, and then we will share our perspective on it as Pakistanis. Let's dive in and explore the implications of these critical issues together. इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको एक बताया था कि इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है और इससे पहले गार्डियन ने जो एक अखबार है यूरोपियन गार्डियन ने लिखा था बड़ी तफसील के साथ कि 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर इंडियंस ने आकर कत्ल किया है या इंडिया ने उनको यहाँ पर कत्ल करवाया है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं इसके सबूत भी मौजूद हैं और इसके ऊपर द गार्डियन ने जब खबर छापी थी तो फिर इंडिया का इसके ऊपर मौकफ वहाँ से आया इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह उसका एक इंटरव्यू होता है इंडिया में और उसमें उससे एक सवाल पूछा जाता है जिसके जवाब में वो ये कहता है इंडियन टीवी न्यूज़ नेटवर्क है न्यूज़ 18 उसको इंटरव्यू देने के दौरान उसने कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या यहाँ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की कोशिश करेगा तो उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे ये इंडियन वजीर दिफा का स्टेटमेंट है और जब सहाफ़ी ने बाद में पूछा कि अब इंडिया पहले की तरह वाली पॉलिसी में नहीं रहेगा कि पड़ोसी ऐसा करेंगे तो बगल में खड़ा रहेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे तो उसने कहा जी बिल्कुल यही कहा और भारत में ऐसा करने की सलाहियत है पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है और नरेंद्र मोदी ने इसको वादे कर दिया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है और भारत ये करने की सलाहियत रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर घुस के मारे अब ये इंडिया का मौक़िफ़ है बरतानवी अखबार द गार्डियन में जो रिपोर्ट शाये हुई थी उसका ये रद्दअमल है वहाँ से एक तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को आकर कत्ल करता है देखिए पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है अगर भारत को पाकिस्तान के अंदर किसी शहरी से मुतालिक कोई शिकायत है तो भारत पाकिस्तान के साथ उसको शेयर कर सकता है भारत आलमी सतह पर मामला उठा सकता है भारत पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है पाकिस्तान कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है अगर पाकिस्तान को भारत के अंदर किसी शख्स से खतरा है या भारत में कोई ऐसा दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान में कुछ किया है तो पाकिस्तान शवाहिद को भारत के साथ शेयर कर सकता है और भारत से मुतालबा कर सकता है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ये तो है अच्छे पड़ोसियों का तरीका लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंसानों को कत्ल करना है और 20 लोगों को भारत कत्ल कर चुका है उस रिपोर्ट के मुताबिक और भारतीय वजीर दिफा का ये जो स्टेटमेंट है राजनाथ का वो इस बात को क्लियर कर रहा है वो ये एतराफ है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कत्लेआम किया है उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया इसके ऊपर पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है मैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली भारत ये क्यों कर रहा है और भारत किस तरह का एडवेंचर चाहता है भारत इलेक्शन के चक्कर में ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चंद साल पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो क्या अंजाम हुआ हमने भारत का जहाज गिराया पायलट को खैरात में वापस किया दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है भारत में इतनी जरूरत नहीं कि बराह रास्त हमला करे राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़के मार रहे हैं इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े अच्छा अब ये जो है वो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद दिलाऊं ये ख्वाजा आसिफ के दौर में नहीं हुआ था नवाज शरीफ के दौर में तो हमेशा अगर भारत ने कोई हरकत की या पाकिस्तान के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया तो नवाज शरीफ साहब ने मादरत खाना रवैया हमेशा रखा है नवाज शरीफ भारत के मामलों को लेकर हमेशा ये चाहते हैं कि भारत के साथ अमन ही अमन हो और किसी किस्म का अगर भारत कोई सख्ती करता भी है तो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करने की बजाय पूरा मन तरीके से मामला को रिजॉल्व करे ये नवाज शरीफ साहब की अपनी एक सोच है कई लोग इसको पॉजिटिव देखते हैं कई लोग इसको नेगेटिव देखते हैं इमरान खान साहब की सोच इससे मुख्तलिफ थी जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान में एडवेंचर किया और भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान में दाखिल हुई और अपना जो इजाफी लोड था वो फेंक कर भाग गई उनकी एयरफोर्स तो फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया और अगले दिन पाकिस्तान ने उस सरहद को क्रॉस किया और मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई और फिर जब भारतीय तैयारे पीछे आए तो पाकिस्तान ने दो तैयारे गिरा दिए थे एक तैयारा पाकिस्तान की हदूद में गिरा अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था और अभिनंदन को पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट किया और बाद में अभिनंदन को वापस कर दिया भारत को जख्मी हालत में वो गया था उसको बड़े कॉलर वाली शर्ट पहना के अभिनंदन को भारत को दिया वो वहाँ पर भारत ने उसको हीरो बना दिया हालांकि उसको वहाँ जाकर पूछना चाहिए था तैयारा तेरा गिर गया है वहाँ पर तू गिरफ्तार हो गया मार तूने खाई है तो उसको हीरो तो नहीं बना सकते लेकिन फिर भी अभिनंदन को उन्होंने वहाँ पर हीरो बना दिया अच्छा अब उस वक्त पीएमएलएन ने क्या कहा था पीएमएलएन ने इमरान खान पर बहुत तनकीद की थी और ये कहा था कि इमरान खान ने टांगे कांप गई उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहा कि वो घबराए हुए थे टांगे कांप रही थी ये स्टेटमेंट दिया था याद सादिक ने ख्वाजा आसिफ और उनकी पार्टी बार बार ये कहते रहे कि ये जो वापस किया है इंडियन पायलट ये एक बुजदली है ये कमज़ोरी है और इमरान खान को बहुत ताने दिए थे आज वही ख्वाजा आसिफ जब इक्तदार में है तो वो इमरान खान के दौर का जिक्र नहीं कर रहा वो ये नहीं कह रहा कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था
ये जरूर कह रहा है कि वो उनकी हुकूमत का नाम ले रहा है, उनके वजीर दिफा का नाम ले रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये नहीं कह रहा कि उस वक्त इमरान खान था वजीर आजम पाकिस्तान जब भारत को नाको चने चबवाए थे, उनका पायलट पकड़ के बाद में खैरात में वापस किया था। कल जो पायलट टांगे कांपते हुए वापस किया गया था, या पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान को बुजदिल कह रहे थे ये लोग जब पायलट वापस किया गया, तो आज ये कह रहे हैं कि इंडिया को हमने खैरात में वापस किया था। तो देखें आप हुकूमत में और अपोजिशन में कैसे लोगों के मौकफ बदलते हैं, और ये बदलते रहते हैं, पुरानी कहानी है, ऐसे ही चलता है। भारत इंडिया जो कर रहा है और जिस तरह दीदा दलेरी से वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी आज़ाद मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा? क्या यही जवाब है जो ख्वाजा आसिफ ने दिया है? उन्होंने 20 आदमी मारे पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और ना सिर्फ 20 आदमी मारे बल्कि बाद में इसको ओन किया और धमकी लगाई पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को किस फोरम के ऊपर उठाएगा, किस अंदाज में उठाएगा, और क्या इसको पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा वापस प्रैक्टिकली? ये बड़े सवाल आते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब आ जाए पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर। खावर मानिका वाला जो केस है, इद्दत में निकाह वाला केस, वो आज सुबह रिपोर्ट हुआ, कल सुबह रिपोर्ट हुआ कि ये उड़ जाएगा, इसके पल्ले कख नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था जो केस सबसे पहले उड़ेगा ना और सबसे तेजी से उड़ेगा वो इद्दत में निकाह वाला केस है, ये तो सुनेगा नहीं कोई अदालत। अब जब ये केस लगा कचहरी में, तो खबर मानिका का जो वकील है रिजवान अब्बासी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो वहीं साथ वाली अदालत में बैठे थे, उनकी वहां से फोटोज भी आ गई कि जनाब यहां तशरीफ रखते हैं, लेकिन वो बगैर बताए कचहरी से चले गए और गैर हाजिरी के बायस इस मामले की तारीख पड़ गई है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को दोबारा इसकी समाअत होगी। ये मामला भी कोशिश की जा रही है कि ईद के बाद पर मुलतवी कर दिया जाए। ये एक दो पेशियों में उड़ जाने वाला मामला है, ये टिक नहीं सकता। जानबूझकर ऐसा किया गया, ये इल्जाम लगाया सलमान अकरम राजा साहब ने। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि पीएमएलएन के लोग एक एक करके खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं, इसकी वजह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून को अब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना है। नवाज शरीफ साहब को यह बात समझ आ गई है कि उन्होंने डील करके और जिस अंदाज में उन्होंने हुकूमत ली है, उनकी और उनके खानदान की सियासत हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। वो ये सोच रहे थे कि दोबारा दोबारा इक्तदार में आएंगे, मरियम नवाज के बच्चे भी इक्तदार में आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस मरतबा ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा इनकी सीटें नहीं है, 2 या 3 दर्जन मैक्सिमम सीटें होंगी, ज्यादातर सीटें ये हार गए हैं। 50 सीटों पर तो इन्होंने कब्जा किया है कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। एमएनएस की बात कर रहा हूं मैं, एमपीएस तो इससे बहुत बड़ी तादाद में है। तो नवाज शरीफ साहब अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां आस्ता आस्ता बना रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानिया बिकेगा? देखिए आज ये 2 और लोगों ने बड़ा सीरियस लोग हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले मुलाकात करते हैं जाकर नवाज शरीफ साहब से नजम सेठी साहब, फिर वो स्टेटमेंट देते हैं, वो बातें करते हैं, वो बताना शुरू करते हैं कि धांधली के जरिए से हुकूमत बनाई गई है, वो बातें करते हैं कि धांधली के जरिए से बंदे हराए और जितवाए गए हैं, वो बताते हैं कि ये सब कुछ 2 नंबर तरीके से हुआ है, वो बताते हैं कि इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं। यानी ऐसा लगता है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको तैयार किया जा रहा है। जावेद लतीफ़ को आप सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं। राणा सनाउल्ला को आप सुन लें, वो भी ये कह रहे हैं कि धांधली की गई है, 2 नंबरी की गई है, फ्रॉड किया गया है और एक हुकूमत बनाई गई है, ये हुकूमत हमारी नहीं बनती, ये सारे मान रहे हैं। सब ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का इक्तदार था, उनको लोगों ने अक्सरियत दी थी, लेकिन उनसे वो छीन ली गई है। अब 2 गवाहियां और आज के दिन में आ गई हैं। एक गवाही चौधरी आबद रजा कोटला, अच्छा ये चौधरी आबद रजा कोटला साहब को कोई ना भी कहना तो मैं इनको जानता हूं कि ये दलेर आदमी है। इन्होंने जब चौधरी खानदान का तूती बोलता था ना गुजरात में, तब इनको चैलेंज किया था। आबद रजा कोटला जो है ये वो आदमी है जिसने जब बहुत ज्यादा ताकत में था चौधरी खानदान परवेज मुशरफ के दौर में, तब भी इनका मुकाबला किया था, और बड़ा मजबूत सियासतदान है, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। आबद रजा कोटला ने कहा है कि फॉर्म 47 वालों को मैं नहीं मानता, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उनका ये मानना, लोगों ने उनको वोट दिया और वो अपनी क्यादत के कहने पर या उनके कंप्रोमाइज पर खुद भी कंप्रोमाइज करके बैठ जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। आबद रजा कोटला ने क्लेम किया कि सालक हुसैन 20,000 और शाफे हुसैन 7,000 वोट इन दोनों को मिले हैं और इसके ऊपर ये दोनों वजीर बन के बैठे हुए, तो मैं तो इसको नहीं मानूंगा। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है जो दिया है अफनानुल्लाह खान साहब ने। ये अफनानुल्लाह खान जो हैं ये सेनेटर हैं पीएमएलएन के, और उन्होंने भी स्टेटमेंट उसी तरह का दिया कि रिजल्ट तब्दील हुए हैं, पिक एंड चूज हुआ है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, कुछ राज हमारे सीने में हैं, चंद महीनों में या 2-3 माह में ये राज खुल जाएंगे। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोग नवाज शरीफ की मर्जी से इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नवाज शरीफ साहब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में वापस इन करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? मियां साहब के करीबी जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो लंदन में है चाहे पाकिस्तान में है, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर टाकी शाकी मार रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब चाहते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं किसी तरह से, उनकी मदद भी। वेलकम बैक व्यूअर्स, इन टुडेज़ इनसाइटफुल व्लॉग इमरान रियाज़ खान शेड लाइट ऑन अ प्रेसिंग इशू दैट डिमांड्स आवर अटेंशन एज़ पाकिस्तानीज़। Reports from reputable sources like The Guardian suggest a grave situation where India allegedly took the lives of 20 Pakistani citizens. This news underscores the need for a closer examination from our national standpoint. Imran Khan, the stalwart leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI,
has long stood against what he perceives as detrimental policies from certain quarters of the establishment. This stance isn't about personal grievances, but a commitment to uphold democratic values and the rights of every Pakistani. His voice joins a chorus that includes Nawaz Sharif, who has also raised pertinent questions regarding the workings of the establishment. In his vlog, Imran Riaz Khan delved into the ongoing legal battles faced by Imran Khan, including recent allegations of contempt. Simultaneously, he brought to light the contradictions present in Nawaz Sharif's anti-establishment narrative, backed by evidence and statements from PMLN ministers. It's crucial to clarify that Imran Khan's opposition isn't against the army or the state, but against policies that impede progress toward a truly democratic society. He advocates vehemently for free and fair elections, an independent judiciary, and a vibrant free media landscape. His emphasis on the rule of law, accountability across the board, and transparent governance resonates deeply with many Pakistanis who yearn for a brighter future. Imran Riaz Khan's vlog serves as a beacon of critical analysis, offering valuable insights into the complexities of our political landscape. We urge you, our viewers, to engage with these issues, share your perspectives, and contribute to the dialogue shaping our nation's trajectory. Thank you for watching, and remember, your voice matters. We appreciate your support and engagement. Thank you for being a part of this important conversation. Share your thoughts on the topics discussed in the video. How do you perceive the dynamics of governance, accountability, and transparency in Pakistan?